विश्व मानवाधिकार परिषद और छत्तीसगढ़ मुस्कान फाउंडेशन द्वारा लगातार आम जनमानस के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई में भी एक कार्यालय का शुभारंभ दुर्ग शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कन्या धीमर के हाथों संपन्न हुआ। अब इस कार्यालय के माध्यम से समाज के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया जाएगा। दुर्ग शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कन्या धीमर ने महिलाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्तिकरण की दिशा में अपने सुझाव दिए, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने अपनी सहमति दी। नमस्कार, मैं हूं शब्बीर अहमद, विश्व मानवाधिकार परिषद दुर्ग संभाग का महासचिव पद पे हूं मैं। और आज हमने सुपेला रामनगर दुर्गा मंदिर के सामने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे कार्यालय खोलने का मकसद ये है कि ऐसे जो मानवाधिकार जो होते हैं, जिनका हनन होता है, अधिकारों का हनन होता है, हम उनके अधिकारों के लिए हम कार्य करते हैं। यह एक सामाजिक संगठन भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नौकरी करके उनको पेमेंट ना करना, मजदूरी करा के उनकी मजदूरी ना देना, जैसे कि थाने में आवेदन देने के बाद FIR दर्ज करवाने के बाद भी उस पर कार्यवाही ना होना या देर से होना या कोई भी जानकारी नहीं मिलना, ऐसे कई संवेदनशील मामले होते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन से हम जुड़ के काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि श्रमिक शोषण होता है, बाल श्रमिक होता है, कम उम्र में कई लोग उससे काम करवाते हैं, ऐसे काम को रोकने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और हम आपसे विनती भी करते हैं, अगर आप से संबंधित कोई ऐसा प्रकरण हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। जो भी काम होगा हम शासन के दायरे में रहकर काम करते हैं और जिस प्रकार का भी मदद होगा वो हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।